नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिटायर्ड सेना के जवान और पत्नी से मारपीट, बचाव में रिटायर्ड सेना के जवान ने की लाइसेंसी 12 बोर से फायरिंग। फायरिंग में युवती समेत 6 लोग घायल। सेना के रिटायर्ड जवान के बच्चों से युवतियों की गाड़ी टकराने से शुरू हुआ विवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रिटायर्ड फौजी ने अपने और अपने बीवी के बचाव में 12 बोर लाइसेंसधारी बंदूक से फायर किया, जिसमें एक युवती समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रिटायर फौजी अपने घर के बाहर अपने 2 बच्चों को साइकिल सिखा रहा था। उसी वक्त तेज़ रफ्तार बाइक सवार 2 युवतियां वहां से गुजर रही थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। वहीं पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। अगर कहें तो फौजी की पत्नी का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी कौन है। ये देखने वाली बात रही। कैमरा पर्सन जय किशन शाह की एक्शन, भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। दरअसल भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र की विवेकानंद नगर कॉलोनी में रहने वाले सेना के रिटायर्ड जवान प्रकाश चौधरी अपने 2 बच्चों के साथ सोमवार शाम घर के सामने साइकिल सिखा रहे थे। इस बीच सामने से अर्जुन नगर बस्ती में रहने 2 युवतियां तेज रफ्तार से बाइक चलाती निकल रही थी, तभी साइकिल चलाते बच्चे टक्कर से बार बार बच गए। इसी बात को लेकर जब प्रकाश चौधरी ने युवतियों को घर के सामने तेजी से बाइक चलाने को लेकर डांटना शुरू किया, बात आगे बढ़ गई और युवतियों और प्रकाश चौधरी के बीच नोकझोंक हाथापाई पर उतर आई। तभी सामने अर्जुन नगर बस्ती से युवतियों के परिजनों ने आकर प्रकाश चौधरी और इनकी पत्नी के साथ जमकर पिटाई की, यहां तक कि दोनों के कपड़े भी फाड़ दिए। इस बीच सेना के रिटायर्ड जवान खुद के बचाव में घर में घुसकर 12 बोर लेकर आया और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान युवति समेत 6 लोगों को चोटें आई हैं। इनमें से एक युवति और एक युवक की हालत गंभीर है। इसके अलावा आसपास खड़े लोगों को भी छड़े घे लगे हैं। फिलहाल पिपलानी पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी खंगाल कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग से पहले रिटायर्ड फौजी और पत्नी से युवती और परिवार के लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड फौजी की पत्नी का आरोप पुलिस कर रही है एक तरफ कार्रवाई। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।